विवादों के बाद भी नहीं बदलेगा राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल। सार्वजनिक समारोह को एक घंटे का समय देने के नियम में नहीं होगी कोई तब्दीली। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के दौरान हुआ था विवाद, राष्ट्रपति के हाथों सम्मान न मिलने से कई फिल्मकारों ने किया सम्मान समारोह का बहिष्कार। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों से मांगी रोजगार से जुड़ी जानकारी, कहा मंत्रालय बताएं 4 साल में पैदा हुई कितनी नौकरियां। जीडीपी बढ़ाने के उपायों पर भी मांगा जवाब, विपक्षी आरोपों का जवाब देने की तैयारी में मोदी सरकार। बैंकों का 1000 करोड़ लेकर विदेश भागे भगोड़े विजय माल्या को ब्रिटेन की अदालत से लगा तगड़ा झटका। कोर्ट ने माल्या की दुनिया भर में फैली संपत्ति को जब्त करने के आदेश को पलटने से किया इनकार। कोर्ट के फैसले से माल्या के खिलाफ प्रत्यर्पण को भारत की कोशिशों को मिलेगा बल। दिल्ली की अब सरकार पर 139 करोड़ रुपए के घोटाले का लगा आरोप, शिकायत में कहा गया श्रम मंत्रालय ने कामकाजी लोगों का भी अवैध तरीके से दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड में कराया रजिस्ट्रेशन। 2002 में दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड का हुआ था गठन। नई ट्रांसफर नीति के तहत यूपी की योगी सरकार ने 61 सीनियर पीसीएस अफसरों का किया तबादला, जिलों में 3 और मंडलों में 7 साल पूरे करने वाले अधिकारी इधर से उधर, समयावधि पूरा न करने वाले कुछ अफसरों का भी हुआ ट्रांसफर। बिना इजाजत अधिकारियों की कंपनियों का निरीक्षण करने के मामले में ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस, कहा कंपनियों के निरीक्षण में तय नियमों का पालन कर ले अधिकारी।